अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं अली भाई के चैम्बर। उनसे कुछ कानूनी बातें करते हैं। अली भाई, ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स आपको फेसबुक, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है या किसी भी वेबसाइट के जरिए कोई धमकी हरासमेंट करने की कोशिश करे, तो इसके खिलाफ किस किस्म की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? ये बेसिकली सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के थ्रू या फेसबुक, व्हाट्सएप, इन चीज़ों के थ्रू, कोई कॉल के जरिए या कोई मैसेज के जरिए या अच्छा। कोई डील करता है जो फ्रॉड करने की कोशिश करता है या हरासमेंट करने की कोशिश करता है, या कोई ऐसी बात करता है जो आपको लगता है कि हरासमेंट है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए, या कोई ब्लैकमेलिंग करता है जो जैसे आजकल मैसेज जो चल रहा है आजकल, उसकी कंप्लेंट बेसिकली साइबर क्राइम विंग में की जा सकती है। अच्छा। FIA, इसमें ऑप्शन ये है इसमें कि FIA में कंप्लेंट की जा सकती है थ्रू वेबसाइट। अच्छा। वेबसाइट के जरिए आप वेबसाइट पे जाएं FIA की, और FIA की वेबसाइट में आप कंप्लेंट्स का ऑप्शन होता है। अच्छा। वहां पे जाके आप अपनी कंप्लेंट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या मैसेज कर दें, SMS कर दें, उनका नंबर भी होता है, एक टोल फ्री नंबर भी है उनका, उस पर भी कॉल कर सकते हैं FIA। अच्छा अच्छा। उस पर भी आप अपनी शिकायत जो है उसको दर्ज करवा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये प्रोसेस करने के बाद फिर जो मेयर आपके जो साइबर क्राइम विंग होता है ना, साइबर क्राइम पे FIA का भी ऑफिस होता है। अच्छा। वहाँ पे जाके आपने ये रिपोर्ट करनी होती है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं या बाय हैंड कोई एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन आप सबमिट करवा देते हैं। अच्छा। वो भी ठीक है। तो अगर इस प्रोसेस के बाद आपको जो है ना एक कंप्लेंट नंबर इशू होता है। अच्छा। वो कंप्लेंट नंबर आपने रख लेना और आपने फॉलो अप लेते रहना कि आपकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुंची है। तो अगर ये फर्दर होता है कि कार्रवाई नहीं करते, समटाइम्स ऐसे भी होता है, तो अगर ये कार्रवाई ना करें तो वो कंप्लेंट नंबर, डेट, शिकायत, उसमें वो आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है उसकी। अच्छा। और वो एप्लीकेशन साइबर सॉरी सेशन कोड में दे देनी है। अच्छा। सेशन कोड फिर इनको डायरेक्शन इशू करेगा, ऑर्डर करेगा, इनसे रिपोर्ट तलब करेगा FIA वालों से कि ये कंप्लेंट थी या नंबर था, ये सारा कुछ था, इसका ज़्यादा आपने क्यों नहीं किया, और इसको कोई भी किसी भी किस्म का जो मुनासिब समझती है वो ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। अच्छा, इसको जो बेसिकली जो एक्ट डील करता है ना, वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, तो ये 2016 में बना था, तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा दौर डिजिटलाइज हो रहा था तो इसकी ज़रूरत परेशानी थी। अच्छा। तो ये एक्ट बेसिकली इसको ना सेक्शन 21 इसका जो है ना साइबर स्टॉकिंग। अच्छा, अगर कोई शख्स आपको फोन पे धमकी देने की कोशिश करता है तो सेम वाले नंबर से, सेम वाले नंबर से, तो उसी पे ये एक्ट लागू होगा या कोई और एक्ट है? ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं लोग इसको, उसको साइबर क्राइम में लोग डालते हैं। अच्छा। इस पे एक और एक्ट है, टेलीग्राफ एक्ट। अच्छा। ये दो डिफरेंसेस हैं। अगर व्हाट्सएप के जरिए या कोई सोशल मीडिया के जरिए या किसी और ईमेल के जरिए आपको कोई हरासमेंट करता है, फ्रॉड करता है, तो वो साइबर क्राइम में जाएगा। ये टेलीग्राफ एक्ट के जरिए एप्लीकेशन होगी इसमें। अच्छा। जो ये टेलीफोन के जरिए कर। अच्छा, वो मेरे टीचर बता रहे थे, तो वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपको गाली देता है फोन के ऊपर तो उस पर एक्ट नहीं होता है, अगर कोई शख्स आपको धमकी देता है तो उस पर एक्ट होता है। लेकिन कोई भी बात करता है, कोई वो जो शख्स है वो आपको लगता है कि वो धमकी है, धमकी दे रहे हैं, ज़्यादा डिफाइन तो आपने करना है ना, प्रूफ आपने करना, आपने अपनी एप्लीकेशन में प्रूफ करना है कि यार ये मुझे जो इसने बात की है, मुझे लग रहा है कि धमकी के जमरे में आती है। अच्छा। या इसने मुझे कोई गाली दी है तो वो हरासमेंट के जमरे में आया। क्लेम हो गया, गाली दी है, शब्द भी हो गया, उस पर सजा हो सकती है? डेफिनेटली इस पर हो सकती है, उस पर ये गाली डिफेमेशन में आती है। आपको मेंटली स्ट्रेस दे रहा है ना वो, आपको किसी तरीके से वो जो है वो इन्फ्लुएंस तो कर रहा है आपके माइंड को। अच्छा अच्छा। जैसे आप डिस्टर्बेंस का शिकार हो रहे हैं, जैसे आप हरास हो रहे हैं, तो ये हरासमेंट नहीं आता है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया।